भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नमस्कार साथियों, दिव्या ट्रेवल व्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए केदारनाथ यात्रा से संबंधित सारी जानकारियां लेकर आए हैं। केदारनाथ यात्रा 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी, कैसे जाएं, केदारनाथ धाम कैसे पहुंचें, यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लगेगा, इस वर्ष 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, केदारनाथ यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आएगा, जैसे संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप सब बाबा के भक्त श्री केदारनाथ धाम के दर्शन आसानी से और चिंता मुक्त होकर कर सके। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए, आपको केदारनाथ यात्रा से संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगी। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा करना और बाबा श्री केदार के दर्शन और पूजन की जो इच्छा है वो प्रत्येक शिव भक्त को होती है। हर शिव भक्त की मनोकामना होती है कि जीवन में कम से कम एक बार तो बाबा केदारनाथ की यात्रा अवश्य करे। भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर स्थलों में से एक केदारनाथ शक्तिशाली गढ़वाल हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में श्रद्धेय केदारनाथ मंदिर के चारों ओर बना यह शहर मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल चोरावाड़ी ग्लेशियर के पास समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में उत्कृष्ट वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर को अत्यंत ही पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता के अनुसार केदारनाथ मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आपको एक बात और बताएं दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए वर्ष के 6 महीने ही खुलता है। बाकी के समय अधिक बर्फबारी होने की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बैठक की जाती है और यहाँ पर श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा की जाती है। तो इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर विधि विधान से पूजा अर्चना करके खुले जाएंगे। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद कब होंगे ताकि आप आपकी यात्रा प्लान कर सके। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है उस दिन बंद किए जाते हैं। इस वर्ष यानी 2023 में भाई दूज 15 नवंबर को है। तो यह अनुमान है कि 15 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है और वो है केदारनाथ यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन। यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आपको यात्रा के रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। 21 फरवरी से केदारनाथ यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल में जानकारी जान लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ईजी है और ये निःशुल्क है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 25 अप्रैल से 15 नवंबर तक खुले रहेंगे। तो आपको आगे बताते हैं कि केदारनाथ की यात्रा आपको किस समय करनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर की यात्रा आप मई जून में कर सकते हैं। इस समय वहां का मौसम काफी अच्छा रहता है। हालांकि मई जून के महीनों में भी वहां पर काफी ठंडा मौसम रहता है, लेकिन मई जून में केदारनाथ धाम में बहुत अधिक भीड़ होती है। आपको रहने, खाने और अन्य सुविधाओं में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये पीक समय होता है वहाँ पर यात्रा का। वहाँ के जो चार्जेस हैं सुविधाओं के, वो भी आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून के टाइम आप यहाँ की यात्रा करना अवॉइड करें क्योंकि बारिश में यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कई बार तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बहुत दिनों तक बंद रहते हैं। अक्टूबर नवंबर में आपकी यात्रा अधिक आरामदायक होती है क्योंकि उस समय यहाँ पर अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है, जिससे कि आपको सारी सुविधाएं भी आराम से मिल जाती हैं।
और उसके चार्जेस भी रिजनेबल रहते हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर में दोस्तों यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, ऊपर केदारनाथ धाम में तो तापमान माइनस में चला जाता है। तो यदि आपको ठंड से कोई दिक्कत नहीं है तो आप अक्टूबर नवंबर में केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप केदारनाथ धाम कैसे जा सकते हैं। तो केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको आपके शहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग के आगे गाड़ियों को ले जाने की परमिशन नहीं होती है। आप यदि खुद की गाड़ी से जा रहे हैं या फिर ट्रेवल्स की गाड़ी से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में आपको आपकी गाड़ी पार्क करनी होती है। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस बनी हुई है गाड़ियों को पार्क करने के लिए। इसके अलावा आप सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सोनप्रयाग से हमें जाना होता है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो है लगभग 8 किलोमीटर, और ये दूरी आप वहाँ पर चलने वाली शेयरिंग टैक्सी से पूरी कर सकते हैं। और गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम के लिए जो हमारी 16 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा है वो शुरू होती है। इसके बारे में डिटेल हम आपको वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि आप आपके शहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश कैसे आ सकते हैं। आप बाई रोड या फिर बाई ट्रेन दोनों ही माध्यमों से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आप खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं और ट्रेवल्स की गाड़ी बुक करके भी आ सकते हैं। और यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको आसानी से बस मिल जाएगी। और उत्तराखंड के लगभग सभी प्रमुख शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, चमोली आदि से आपको सोनप्रयाग के लिए बसेज और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो जो सोनप्रयाग से निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। आप ऋषिकेश भी आ सकते हैं, और यदि आपको वहाँ की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार भी आ सकते हैं। देश के लगभग हर शहर से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। इसके अलावा आप यदि फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से जो निकटतम एयरपोर्ट है वो मिलेगा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। आपको आसानी से दिल्ली से देहरादून के लिए फ्लाइट्स मिल जाएंगी, और कई अन्य शहरों से भी आपको देहरादून के लिए फ्लाइट्स आसानी से मिल जाएंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम हरिद्वार से आगे सोनप्रयाग के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए हमें सोनप्रयाग पहुंचना होगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 233 किलोमीटर है, और इसको पूरा करने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ से आप बस या फिर टैक्सी से एक सड़क मार्ग के द्वारा ही सोनप्रयाग जा सकते हैं। बस के लिए आप एक दिन पहले ही हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए अपनी टिकट बुक करवा लीजिए। हरिद्वार बस स्टैंड से आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। पहले से टिकट बुकिंग करना ठीक रहता है, क्योंकि सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में हो सकता है कि भीड़ अधिक होने की वजह से आपको टिकट ना मिल पाए। अगर आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप पहले गुप्तकाशी पहुंच सकते हैं, जो कि सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले है। गुप्तकाशी के लिए कई सारी बसेस चलती हैं। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग बस या फिर शेयरिंग टैक्सी जो भी उपलब्ध हो उस माध्यम से आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो बस का किराया है वो 500 से 1000 रुपये के बीच में रहता है। डिपेंड करता है बस सरकारी बस है या फिर प्राइवेट बस है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अपना बस का टिकट बुक करवा सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है दोस्तों टैक्सी। यदि आप 4 या 5 या फिर उससे अधिक के ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो आप केदारनाथ के लिए प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सीज के भी अलग अलग रेट होते हैं। जैसे 1 से 4 लोगों के लिए जो AC 5-सीटर सेडान होती है उसका रेट यहाँ पर 4,800 पर डे से शुरू होता है। 5 से 6 लोगों के लिए 7-सीटर AC SUVs वगैरह के जो रेट है वो 6,500 पर डे से शुरू होते हैं। 6 से 7 लोगों के लिए AC 7-सीटर इनोवा जैसी गाड़ियों के जो रेट है वो 7,000 पर डे से शुरू होते हैं। इसके अलावा 7 से 16 लोग, यदि आपका बड़ा ग्रुप है और आप टेम्पो ट्रैवलर वगैरह बुक करना चाहते हैं तो उसका किराया 9,500 रुपये पर डे से शुरू होता है। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से भी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। ये किराया डिपेंड करता है 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में ये हो सकता है।
अगर आप बाइक या फिर खुद की कार से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप बस वाले रूट को फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करके सीधा सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं और सोनप्रयाग में आप आपकी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। यहाँ पर जो पार्किंग का चार्ज है वो 24 घंटे के लिए 120 रुपये होता है। आप सुबह हरिद्वार से निकलेंगे तो शाम तक ही सोनप्रयाग पहुँच पाएंगे। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवारा, अगस्त्य मुनि, चंद्रपुरी, ऊखीमठ, फाटा होते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है। आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और इस दिन आपको सोनप्रयाग में रुकना होगा। सोनप्रयाग में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। होटल का किराया समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। मई जून में होटल का रेंट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, वहीं अक्टूबर नवंबर में इनका किराया अपेक्षाकृत कम हो जाता है। 1500 से 8000 तक के होटल्स के रूम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ज्यादा भीड़ के समय रूम मिलने में दिक्कत होती है, साथ ही रूम का किराया भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोनप्रयाग में बहुत सारी रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े हॉल मिल जाएंगे जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के 300 से 500 रुपए के हिसाब से रात में रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। भोजन आदि के लिए भी आपको यहाँ पर कई सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर 150 से 200 पर थाली के हिसाब से आपको भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा सोनप्रयाग में कई आपको भंडारे भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप निःशुल्क भी भोजन कर सकते हैं। यदि आप ट्रेवल की गाड़ी से जा रहे हैं या फिर खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग की पार्किंग में आपको गाड़ी पार्क करनी होगी, क्योंकि सोनप्रयाग के आगे आप आपके वाहन नहीं ले जा सकते। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की लगभग 6 किलोमीटर की दूरी आपको शेयरिंग टैक्सी से करनी होती है, जिसका किराया 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से होता है। मई जून के महीनों में यहाँ पर टैक्सी मिलने में काफी समय लगता है, आपको घंटों यहाँ पर टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। इसलिए सोनप्रयाग से सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। पीक सीजन जैसे मई जून के महीनों में तो आपको टैक्सी बहुत ही मुश्किल से मिलती है या फिर बहुत समय लगता है, तो आप यदि सक्षम हैं तो आप सोनप्रयाग से ही पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता पूरा पहाड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड बना हुआ है जहाँ पर हमेशा ही गर्म पानी रहता है, तो आप चाहें तो वहाँ कुछ देर रुककर गर्म पानी के कुंड में स्नान कर सकते हैं और वहाँ पर बने हुए मंदिर में दर्शन करके आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड वह स्थान है जहाँ से बाबा केदारनाथ की हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप घोड़े, खच्चर या फिर पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। इस वर्ष 2023 में घोड़े, खच्चर, पालकी के क्या रेट होने वाले हैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। आई बटन में ऊपर मैं उसका आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उसको जाकर जरूर देख सकते हैं। वहां से आपको घोड़े, खच्चर और पालकी के लिए जो भी करंट रेट हैं 2023 के वो मिल जाएंगे। आप घोड़े, खच्चर या फिर पालकी गौरीकुंड से भी कर सकते हैं और कुछ दूर ट्रैकिंग करने के बाद भी आप बीच रास्ते से भी ये सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है, लेकिन पैदल यात्रा की तैयारी हमें थोड़ी पहले से ही कर लेनी चाहिए। आपके साथ में एक रेनकोट होना चाहिए क्योंकि वहां पर बारिश कभी भी हो सकती है। साथ में आपके गर्म कपड़े भी होना जरूरी है। अपने साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कुछ पीने के लिए शरबत वगैरह ये ज़रूर रख लें, जिससे कि आपको चलने में एनर्जी मिलती रहे। केदारनाथ ट्रैकिंग में आपको क्या क्या सामान आपके साथ लेके जाना चाहिए इसके ऊपर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर है। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसको जा करके देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रास्ते में भी आपको खाने के बहुत सारी होटल्स मिल जाएंगी, लेकिन उसमें ज़्यादातर आपको मैगी और आलू का पराठा ही मिलेगा। चाय, बच्चों के लिए दूध, नींबू पानी, शरबत वगैरह भी आपको वहां से मिल जाएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे चलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पूरा रास्ता पहाड़ी है और चढ़ाई वाला है। रास्ते में कई जगह आपको छोटे बड़े झरने मिलेंगे, साथ ही बर्फ के ग्लेशियर्स भी मिलेंगे। आपको चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए एक अच्छे जूते जरूर पहने। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करते समय आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। शहरों के पॉल्यूटेड वातावरण से अलग यहाँ पर आपको बहुत ही साफ और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। चारों तरफ आपको हरियाली का साम्राज्य फैला हुआ मिलेगा।
यदि आप केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप बीच में रुक कर के भी 2 दिनों में भी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो बीच में रुक सकते हैं। रामबाड़ा के बाद आपको रुकने के लिए GMVN के टेंट हाउस मिल जाएंगे। रास्ते में पड़ने वाले जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं जो आपको वहाँ रास्ते में मिलेंगे, वो भी कोई कोई अपने यहाँ पर यात्रियों को रुकने की सुविधा देते हैं। और यदि आप शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारी रुकने की सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको रुकने के लिए GMVN के टेंट मिल जाएंगे, साथ ही GMVN के लग्जरी कॉटेजेस भी मिल जाएंगे, जिनकी बुकिंग आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको मंदिर के पास भी बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, आप वहां पर भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। GMVM के टेंट्स में आपको यहाँ पर 350 से 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा, जिसमें आपको एक मैट्रेस, रजाई और एक स्लीपिंग बैग मिलता है। और जो यहाँ पर प्राइवेट होटल्स हैं उसमें आपको 1500 से 2500 के बीच में रूम मिल जाएगा। भीड़ के समय यदि आपको होटल नहीं भी मिलता है या फिर टेंट नहीं मिलता है तो सोनप्रयाग की तरह केदारनाथ धाम में भी आपको यहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 300 से 500 रुपये के हिसाब से आपको रात में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। भोजन में आपको यहाँ पर 150 से 250 रुपये के बीच में पर थाली के हिसाब से मिल जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ धाम में भी आपको भंडारे मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ पर भी निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सुबह जल्दी सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो शाम तक आप आराम से केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। और यदि आपको थकान नहीं हुई है तो आप रात को भी मंदिर में जाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह जल्दी 4-5 बजे तैयार हो जाइए और दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। दर्शन करने के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, आपको लाइन में कुछ देर तो लगना पड़ेगा। वैसे इस वर्ष से केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए टोकन की नई व्यवस्था की गई है, जिससे आप लंबी लाइनों में लगने से बच पाएंगे। निर्धारित काउंटर पर जाकर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर दिखाकर आप अपना टोकन प्राप्त कर पाएंगे और उस टोकन में दिए हुए टाइम स्लॉट के हिसाब से आप मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। दर्शन में यदि समय है तो वहां के सुंदर प्राकृतिक नजारों का आनंद ले लीजिए। वहां की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां आपका मन मोह लेंगी। उन पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो आपको एक अलौकिक एहसास होता है। पास में बहती हुई मंदाकिनी नदी की आवाज आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। अपना नंबर आने पर आप भोले बाबा के दर्शन कीजिए, प्रसाद वगैरह आपको वहीं आसपास की दुकानों से मिल जाएगा। मंदिर के पीछे ही स्थित है विशाल भीमशिला। 2013 की प्राकृतिक आपदा में पहाड़ से आए हुए पानी से मंदिर को इसी विशाल भीमशिला ने बचाया था। दोस्तों, जून 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें केदारनाथ सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। मंदिर के आसपास के जो मकान हैं, जो होटल्स हैं, वो सब बह गए थे। मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद ही शेष बचे थे, लेकिन मंदिर का जो प्रवेश द्वार है और उसके आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। मंदिर के आसपास का एरिया जो अभी हमें देखने को मिलता है वो अभी नया बना हुआ है। ये मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर में मुख्य भाग है मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग है। बाहर प्रांगण में आपको नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान मिलेंगे। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है, तो आप आराम से केदारनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए। दोपहर 12-1 बजे तक मंदिर में दर्शन करने और भोजन इत्यादि करने के बाद आप गौरीकुंड के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। शाम तक आप सोनप्रयाग आसानी से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यही हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा समाप्त होती है। अब हम आपको बताते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से हरिद्वार तक की जो आपकी यात्रा है उसमें आपको कुल कितना समय लगेगा। तो इस यात्रा में आपको 4 से 5 दिन का समय लगेगा। इसमें 2 रात तो आपको सोनप्रयाग में रुकना होगा और 1 रात आपको केदारनाथ धाम में रुकना होगा। इसके अलावा आपको 1 दिन हरिद्वार में भी रुकना होगा। साथियों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि केदारनाथ यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं, और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा।
फिर भी यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में मैं चार धाम यात्रा और चारों धामों की अलग अलग यात्रा और इकट्ठे चार धाम यात्रा आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर पूरे डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।